दर्शकों, 1 जुलाई से GST लागू कर दिया गया है। देखने में आ रहा है मुसीबत जो बनी हुई है वो छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए बनी हुई है। हमारे बीच में मनोज नैयर साहब हैं, जो कि वेलकम के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर आसीन है, कांग्रेस पार्टी से प्रमुख समाजसेवी भी हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे, छोटा मझोला व्यापारी इस समय दुखी है, परेशान है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ जी। पिछले 1 महीना हो गया GST लागू हुए, अभी तक लोगों की बिल बुकें छपके नहीं आ पाई हैं जी। CA को मालूम नहीं है कि बिल बुक कैसे छपवानी है, इतना कॉम्प्लिकेशन है कि कोई आदमी समझ नहीं पा रहा कि वो कैसे बिल काटे। 50,000 से ज़्यादा HSN कोड दे दिए हैं, उसका कोई सॉफ्टवेयर अभी तक अवेलेबल गवर्नमेंट ने नहीं कराया, जनरेट हुआ ही नहीं है। गवर्नमेंट ने, मैंने भी गूगल पे ट्राई करा तो वो मिलता नहीं है जी। अगर आप बात, जैसे मेरा बाथरूम फिटिंग का काम है, खाली बाथरूम फिटिंग का मिलेगा, उसमें जो आइटम्स हैं उसका HSN कोड ही नहीं है। हमारी अपनी लाइन में मेरा शावर का काम है, उसमें जो अधूरा माल है जो कंप्लीट करते हैं पीछे रोड लगती है, बिना रोड के 28% लगा दिया है, रोड के साथ 18% लगा दिया है। मतलब एक ही चीज़ के दो दो HSN कोड कर दिए, तो कितना आप सोचो कि कितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, तो कैसे आदमी काम करेगा, कैसे बिल काटेगा। मोदी सरकार का ये कहना है इससे करप्शन कम होगा, इससे करप्शन और बढ़ेगा। जहाँ लोग 12.5% वैट नहीं दे रहे थे, अब 28% कैसे देंगे जी। कोई दुकानदार दिल्ली के अंदर किसी के पास आप चले जाओ, कोई बिल मांगता ही नहीं, हर कोई कहता है बिना बिल के माल दे जाओ जी। और हर जो ग्राहक जाता है वो कहता है मुझे तो बिल चाहिए ही नहीं। देश के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान पर सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। इवन कि आपको ये नहीं पता कि जो आप बिल काटोगे, जो आप रिक्शा पे माल भेजोगे, उस रिक्शे के किराए के ऊपर भी आपको 28% टैक्स है, वो GST दे के वो भी गवर्नमेंट को देना है जी। अगर आप ऑटो में माल भेजोगे, ऑटो के किराए के ऊपर 28% GST लगा के आपको गवर्नमेंट को देना है जी। अभी कभी ऐसे हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इस चीज़ का। मोदी सरकार के अंदर यू टर्न नहीं है, यू टर्न तो बहुत लिए हैं उन्होंने, लेकिन जो जिस चीज में जनता परेशान हो रही है उसमें यू टर्न नहीं ले रहे जो इनको लेने चाहिए। आज सूरत के अंदर 2 महीने से लगभग व्यापारी हड़ताल, काम बंद है, लाखों लोग घर में बैठे हैं, फैक्ट्रियां बंद है। जामनगर से मेरा माल आता है, राजकोट से मेरा माल आता है, आज 1 महीना हो गया, एक भी माल नहीं आ पा रहा। ऐसे में देखने में आ रहा है कि कांग्रेस परिवार की अगर हम बात करें, पार्टी की बात करें, तो जनता के साथ कहां तक खड़ी है कांग्रेस पार्टी? जनता के साथ खड़ी है, लेकिन मैं अपनी पार्टी से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम अभी परसों ही बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है शाहदरा में, जिसमें माननीय अजय माखन जी, भीषम शर्मा जी, विपिन शर्मा जी, हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कराया। लेकिन अगर हम ये प्रदर्शन मई और जून में करते तो शायद हमें ज़्यादा लाभ मिलता और लोगों को ज़्यादा विश्वास आता कांग्रेस पार्टी में। थोड़ा हम लेट हो गए हैं इसमें, थोड़ा कहेंगे या बहुत ज़्यादा लेट हो गए, और फिर उसके बावजूद भी खाना पूर्ति हुई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी जी जान से जुटी हुई है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई कानून अगर आगे भी आता है तो हम पहले जरा ज़्यादा जोश से विरोध करें, लागू होने के बाद थोड़ा सा पब्लिक का सपोर्ट कम हो जाता है। मनोज जी, दुख की बात यह है कि त्यौहार सर पर है और काम धंधे बंद है। बिल्कुल, काम धंधे बंद है सर, राखी से त्यौहार शुरू हो जाते हैं जी। अभी राखी 6 दिन राखी को बाकी हैं जी। और उसके बाद ये आप समझ लो कि दिवाली तक त्यौहार चलेंगे। बिल्कुल। और लोगों की जेब में कोई पैसा नहीं है, लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे, इस बार सारे त्यौहार फीके जाने वाले हैं, और मेरे हिसाब से व्यापारियों की काली दिवाली होने वाली है।